हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 जून को विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के लोअर मंडल की लगभग 115 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, साथ ही एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी 27 जून 2022 को फिर से श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जहां वो श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोअर मंडल की लगभग 115 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, वहीं एक भारी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि अभी 4 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे अपर मंडल में लाड़ाघाट में आए थे और वहां पर भी उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कर अनेक तोहफे बारिश विधानसभा क्षेत्र को दिए थे। इस दौरान भी वो यहाँ पर लगभग 115 करोड़ की विकास की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो स्वारघाट सब डिवीजन पीने के पानी का है, जल शक्ति विभाग का है, उस सब डिवीजन की सभी पीने के पानी की स्कीमों को सोर्स ऑगमेंटेशन के लिए जो लगभग 67 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। और उसी तरह से हमारी स्वाहन भाखड़ा माकड़ी स्कीमों के संवर्धन के लिए जो लगभग 15 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है उसकी भी आधारशिला रखेंगे। साथ ही जल शक्ति विभाग की जो लहड़ी तरसू पंचायतों के लिए पीने के पानी की स्कीम है, जिसका शिलान्यास जो है 2012 में हुआ था, परंतु 5 साल कांग्रेस सरकार में उसका काम पूरा नहीं हुआ, हमारी सरकार बनी, हमने उसका काम पूरा किया और लगभग 4.5 करोड़ से बनी उस स्कीम का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ श्री नैना देवी जी से करेंगे। यही नहीं, इस दौरान हमारे लोक निर्माण विभाग की 2 प्रमुख सड़कों तरसू मैगजीन से जो है समतहन तक जो लगभग 4.5 करोड़ से बनी है उसका, और साथ ही जो एंस्टा न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट।